अल्बोड़ा में आज कांग्रेस पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान प्रवक्ताओं ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संगठन को मजबूत बनाने के लिए एकजुटता के साथ कार्य करने पर बल दिया है। साथ ही कार्यकर्ता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को आम जन मानस तक पहुंचाने का प्रयास करें और आगामी लोकसभा निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को आगे बढ़ाने की पहल करें। इस अवसर पर विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस ने आज़ादी के दौर के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को मोदी सरकार मिटाने में जुटी हुई है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश भर में लोग जोड़ रहे हैं, जिससे लगता है कि आने वाले समय में फिर से कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस का स्थापना दिवस हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। सबसे पहले मैं समस्त पूरे कांग्रेस परिवार के साथियों को इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उसके साथ साथ सबसे पहले क्योंकि उन महान स्वतंत्रता सेनानी को जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में इस कांग्रेस के नेतृत्व में अपनी आहुति दी, उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ। और निश्चित रूप से जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय कोई इस देश की सत्ता के लिए नहीं हुई, इस देश को अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद करने के लिए हुई और दो नरम दल और गरम दल के तहत उसका गठन हुआ। और आज़ादी के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब वो पद को सुशोभित किया, उसके पश्चात कांग्रेस के संगठन के दिशा निर्देश अनुसार इस देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।